आइए दोस्तों, सभी राज्यों के लिए आई हुई एक बड़ी भर्ती के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। खनिज विकास अधिकारी का यह भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। बीपीएससी भर्ती 2020 के लिए ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। यह जो भर्ती का नोटिस जारी हुआ है, इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आप महिला या पुरुष किसी भी राज्य के पूरे भारत से आवेदन करेंगे और आवेदन आपको यहां पर ऑनलाइन करना है, जिसके लिए अंतिम तारीख जो तय की गई है वो 18 मई 2020 रखी गई है। अगर हम बात करें इस पोस्ट पर अगर सिलेक्शन होता है तो क्या सैलरी मिल सकती है, तो लगभग आपको 67,200 रुपये तक सैलरी मिलेगी। अब इस भर्ती की विस्तार जानकारी जानते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पद हैं, क्या आयु सीमा होनी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, तभी सारी इन्फॉर्मेशन समझ पाएंगे। साथ ही साथ इस पीडीएफ फाइल को अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को केवल केवल 10 लाइक जरूर करें। जी हाँ, टारगेट है आज के इस वीडियो का 10 लाइक का, तो वो जरूर आप पूरा कर दें। अब बात करते हैं भर्ती की। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है पटना से। यहाँ पर विज्ञापन संख्या भी आप देख पा रहे हैं, 5 यानी कि मई का है, तो बटे 2020 का यहाँ पर विज्ञापन ये जारी किया गया है। सबसे पहले आते हैं पोस्ट क्या है, कैसे हैं, उस पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पोस्ट को कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है, यानी कि अनारक्षित को कुल 8 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 2 पद, अनुसूचित जाति को 3 पद, अनुसूचित जनजाति को 1 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 4 पद, पिछड़ा वर्ग को 2 पद, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को कोई पद नहीं, यानी कि कुल 20 पदों के लिए इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ अन्य यहाँ पर आपको पद मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। फिर यहाँ पर बताया गया है वेतन, वेतन के बारे में लेवल 9 तक यहाँ पर आपको वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर साथ ही साथ कुछ क्वालिफिकेशन दी गई है आपकी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शैक्षणिक संस्थान में 2 श्रेणी में MSc भूगर्भ विज्ञान में उपाधि, समृद्ध भूगर्भ विज्ञान MTech खनन अभियंत्रण में उपाधि, यानी कि इनमें से कुछ भी आप किए हों तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अप्लीकेबल रहने वाले हैं। ये सभी जो आपके शैक्षिक आपके प्रमाण पत्र रहेंगे वो लगभग पूरे होने चाहिए, 2/6/2020 तक कंप्लीट होने चाहिए। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो 1/8/2019 तक न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष यहाँ पर आयु होनी चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो यहाँ पर 40 वर्ष तक के, SC ST आ गए तो 42 वर्ष तक के, ठीक है। जनरल कैटेगरी को केवल 37 वर्ष यहाँ पर आयु मैक्सिमम रखी गई है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी, जो नियमानुसार यहाँ पर मिलती है। उसके बाद इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप आएंगे तो चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जहां पर ये बताया गया है कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर यहां आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, यानी कि यहां पर पहले आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, उसके बाद यहां पर साक्षात्कार लिया जाएगा। तो यहां पर लिखित परीक्षा में देखिए, सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न होंगे, खनन के 100 प्रश्न होंगे, जिसके लिए 1.5 घंटे के यहां पर आपको समय दिया जाएगा। फिर यहां पर देखिए, आपको देखा हुआ है भूतत्व के यहां पर आपके 100 प्रश्न होंगे, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर आपका सिलेबस से संबंधित दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। खनिज नीति के कुछ 100 प्रश्न यहाँ पर आपको बताए गए हैं, वो भी यहाँ पर आपको देने होंगे। तो ये आपका सिलेबस हो गया और इस तरह से अंतिम सूची फिर यहाँ पर तैयार की जाएगी इंटरव्यू के आधार पर। अब जो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन यहाँ पर आपको ऑनलाइन करना होगा। यहाँ पर जो बताया गया है, ऑनलाइन ही आपको सारा आवेदन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा। ऑफलाइन किसी भी तरह के आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे, किसी भी तरह के यहाँ पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब आवेदन करना है तो आवेदन करने के लिए आपको शुल्क यहाँ पर कुछ देना होगा। तो अगर सामान्य कैटेगरी में आप आते हैं,
अगर आप सामान्य कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर 750 रुपये का शुल्क आपको देना है। ठीक, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 200 रुपये देना है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित सभी को 200 रुपये देने हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 200 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे। अन्य सभी उम्मीदवार को 750 रुपये आप देने पड़ेंगे। ये सभी जो आपके शुल्क हैं नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड UPI या अन्य माध्यमों से आप इस शुल्क को जमा कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण तारीखें आप देख लें यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की जो तिथि है वो 4 मई से 18 मई तक होगी। जी हाँ, 4 मई से शुरू होगी और 18 मई तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। भुगतान आप 25 मई 2020 तक कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 2 जून 2020 रखी गई है। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट आपको ये करना है डाक के माध्यम से। आवेदन करने के बाद वो आपको 10 जून 2020 से पहले कर देना है। स्पीड पोस्ट से आपके रजिस्टर्ड डाक से जो आप फॉर्म भरेंगे और साथ में उसके जो फोटोकॉपीज होंगी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको ये भेजना अनिवार्य यहाँ पर बताया गया। तो ये सारा प्रोसेस है इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। PDF फाइल के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें और इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इसी तरह की जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।